नमस्कार, वक्त हो चला है वार पलटवार का। मैं हूं प्रिया खरे। क्या बिहार में फिर से जंगल राज रिटर्न्स हो चला है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये पूरे मामले की पहले आपको हम जानकारी देते हैं। बिहार के दरभंगा में एक ऐसे निर्मम हत्या की गई जिसके बाद पूरा बिहार ही सन्न हो उठा है। ये वक्त उस समय का है जब सुबह करीबन 7 बज रहे थे और 7 बजे के आसपास बिहार में वीआईपी प्रमुख और पूर्व मंत्री बिहार के मुकेश सहनी, उनके पिता जीतन सहनी की दर्दनाक उनके घर में घुसकर किसी ने हत्या कर दी। चाकू से घोप घोप कर हत्या की गई। इस हत्या की वजह क्या है, ये खुलकर तो सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ चल रही है। इन दो लोगों में एक घर में खाना बनाने वाली है और दूसरा दूध बेचने वाला था, जो कि दूध देता था। इन दो लोगों से पूछताछ चल रही है और इस मामले को लेकर राजनीति गर्म हो चली है। विपक्ष जोरदार हमला कर रहा है और विपक्ष का हमला करना भी लाजमी है, क्योंकि बिहार में जब बार बार ये दावे किए जा रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, सुशासन बाबू शासन चला रहे हैं, तो फिर इस तरह से अगर हत्या होती है तो सवाल तो उठेंगे ही। लेकिन इन सब के बीच भाजपा की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। भाजपा ने यह कह दिया है कि सभ्य समाज में हत्या तो होती रहती है, तो क्या सचमुच ऐसे हत्या होते हुए बिहार को छोड़ देना चाहिए? क्या बिहार में फिर से जंगल राज रिटर्न्स हो चुका है? क्या विपक्ष जो बार बार सवालिया निशान खड़े कर रही है वो सही है? तेजस्वी यादव ने भी आड़े हाथों लिया है। तेजस्वी यादव ने भी ये कहा है कि बिहार में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, हत्याएं लगातार बढ़ रही है, ये साफ तौर पर है कि बिहार में शासन पूरी तरह से फेल है। अब सवाल यह है कि कब अपराधी की गिरफ्तारी होगी, कब उन्हें सजा मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर बिहार में अपराध पर कब लगाम लगेगी। तमाम चीजें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए पक्ष और विपक्ष ने क्या कुछ कहा है। मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है, हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के हर जिलों में हत्या का सिलसिला, और आज एक संघर्षशील लीडर मुकेश जी के पिता की हत्या कंप्लीट रूप से, रोम जल रहा था, हीरो बंसी बजा रहा, पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा हुआ। ऐसा है कि सभ्य समाज में अपराध को आप रोक नहीं सकते हैं, चाहे भले कितने सक्षम हो जाएं। उदाहरण तो अमेरिका है, ट्रंप है, उन पे हमला हो गया। अमेरिका से सर्वशक्तिमान तो कोई है नहीं, लेकिन उद्बोधन हुआ, हमलावर को मार गिराया गया, इसको कहते हैं अंकुश। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है, लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ, शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाए। तो जीतन सहनी की हत्या को लेकर राजनीतिक माहौल तो गर्म है। सत्ता पक्ष ये बार बार दावा कर रही है कि किसी भी सूरत में जो अपराधी है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, सलाखों के पीछे उन्हें ढकेला जाएगा और ये कार्रवाई बहुत जल्द होगी। लेकिन विपक्ष उम्मीद लगाए बैठी है कि आखिर कार्रवाई कब तक खत्म होगी और बिहार में कब पूरी तरह से अपराध पर लगाम लगेगा, और इस पर अब चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से मनीष पांडे जुड़ चुके हैं, वही राजद से आरजू खान प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मनीष पांडे जी आपसे रहेगा, क्योंकि सरकार आपकी ही है, जिस तरह से घटनाएं हो रही है बिहार में और जिस तरह से बयानबाजी सामने आई है, क्या ये सही है? अजय आलोक ने साफ तौर पर कहा है कि सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं होती रहती है, अंकुश लगाना चाहिए, तो क्या अगर ऐसी घटनाएं होती रहती है तो घटना होते रहे, इस पर छोड़ देना चाहिए? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि आपने पुराना पूरा बयान सुनाया है और उनके पूरा बयान में उन्होंने कहा है सभ्य समाज का मतलब होता है कि जो जागरूक होते हैं, जो समाज चीजों को समझता है, आपको आप उसको एक्सप्लेन किस प्रकार से करेंगे, अपने अपना नजरिया है। लेकिन क्या है कि देखिए बिहार में हत्याएं, अपराध
या कोई नई बात नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है, इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि आज की जो घटना है बहुत दुखद है, बहुत निर्मम हत्या हुई है, और भारतीय जनता पार्टी पूरे जो शोक संतप्त परिवार है उसके साथ है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तो सभी लोगों ने इस मामले पर अपने बयान भी दिए हैं, दुख भी व्यक्त किया है, और SIT की तुरंत गठन किया गया है, सारे जितने भी टीम है सभी टीमों को भेजा गया है वहां पर, ताकि जितना जल्द से जल्द हो सके वो अपराधी पकड़े जाए। लेकिन जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं सुबह से जब से यह घटना सामने आया है, विपक्ष जिस प्रकार से बयान दे रहा, अभी आप पप्पू यादव का बयान सुना रहे थे, पप्पू यादव के बारे में, ये 90 के दशक में पप्पू यादव क्या थे, किसी से छिपी हुई है क्या? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे मुद्दे, ऐसी घटनाएं जब घटे तो कम से कम राजनीति। मनीष पांडे जी, आप अगर बिहार की पिछली तस्वीर लेके जा रहे हैं, सही है, सही है, सुन लीजिए मनीष पांडे जी, पिछली तस्वीर लेके जा रहे हैं, सही बात है, लेकिन अब तो आपका शासन है, इससे पहले जब राजद के साथ नीतीश कुमार थे तब भी आप लोग सवाल खड़े कर रहे थे, अब आपके साथ नीतीश कुमार है, जदयू पार्टी आपके साथ है, आपका बिहार में शासन है, तब भी आप कह रहे हैं कि बिहार में तो ऐसी अपराधी घटनाएं होती रहती है, क्यों होगी, लगाम क्यों नहीं लगेगा? एक नेता के घर में घुसकर हत्या करना बहुत बड़ी बात होती है, आप लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? प्रिया जी, अभी जांच चल रहा और मुझे लगता है कि हम लोगों को इंतजार करना चाहिए, तो इसके बाद तब तक हम लोग को इंतजार करना चाहिए कि घटना क्यों घटी, घटना का कारण क्या था, कोई अपराधी घटना थी, रंजिश के वजह से हुई, राजनीतिक की, जो भी वजह था वो सारा सामने आएगा। लेकिन घटना दुखद है, मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे समय पर हम लोग जो है उसका राजनीतिकरण करें, बातों को अपनी जुबान को गंदा करें और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करें। लेकिन प्रिया जी एक बात बड़ा स्पष्ट है, देखिए बिहार के संदर्भ में ही अगर आप लेंगे तो एक बात बहुत स्पष्ट है वर्तमान सरकार में, कि वर्तमान जो सरकार है बिहार की वह अपराधियों की पोषक, अपराधियों का बचाव नहीं करती। आपने देखा होगा किस प्रकार से NDA के शासन काल में फास्ट ट्रैक लाए गए, अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे डाला गया, जल्दी जल्दी मुकदमों की सुनवाई हुई। यही नहीं, NDA के जो विधायक जो उस तरह से हिस्ट्री सीटर थे, अगर वो गलत करते गए तो वो भी सलाखों के अंदर गए। लेकिन वही दूसरी तरफ जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं वो लोग अपनी कृपा में झांके, उन लोगों ने कैसे कैसे लोगों को पाल रखा था, कैसे कैसे लोगों को पाल रखा है, और उनके द्वारा जिस प्रकार से मनीष पांडे जी आपकी बात सही है, हाँ आपकी बात सही है, लेकिन बात यह है कि जब बीजेपी सवाल खड़े करती है, जब सत्ता पक्ष के लोग सवाल खड़े करते हैं, उस दौर की याद दिलाई जाती है कि लालू यादव थे तब जंगल राज था, और अभी अगर इस तरह की घटना हो रही है तो विपक्ष को तो मौका मिलेगा ही ना, विपक्ष आप लोगों को भी याद दिलाएगी कि अगर आप जंगल राज की बात करते हैं तो अभी कौन सा राज चल रहा है। देखिए मुझे लगता है कि विपक्ष को अभी जो जांच चल रही है उस जांच का फाइनल रिपोर्ट आने तक कम से कम इंतजार करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है लोकतंत्र में कि वह सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद करे, लेकिन सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना यह भी विपक्ष का काम नहीं है। और मैं समझता हूं कि जो घटना घटी है इसका क्या आधार है, क्या कारण है, या पता लगाए बगैर कुछ भी आरोप लगाना, दूसरी बात बिहार में आज से नहीं शुरू से हम लोगों ने देखा है कि जितनी हत्याएं आपराधिक घटनाओं से होती है के कारण होती है उससे ज्यादा हत्याएं जो है विवाद, आपकी रंजीत पारिवारिक विवाद के वजह से अपराध ज्यादा होते रहते हैं बिहार में, यह डेटा भी कहता है। लेकिन फिर भी हत्या हत्या है, इसी कारण से हो, अगर अपराध पर कुछ पाने का काम ठीक है। आजू खान जी, इस तरह की हत्या हो गई है, जंगल राज रिटर्न्स की अब बात की जा रही है, लेकिन बार बार सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और एक बात तो तय है कि राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी की हत्या हुई है और इस हत्या पर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि किसी की हत्या हो जाती है बिहार में आम आदमी के, चाहे किसी मिनिस्टर्स के, पूर्व एक्स मिनिस्टर के पिताजी की,
लेकिन आप संवेदना भी नहीं व्यक्त करते हैं और ये कहते हैं कि सभ्य समाज में आप हत्या को नहीं रोक सकते हैं। ये मैं नहीं, अजय आलोक जी कह रहे हैं, जो कि भाजपा के नेता हैं। उनके घर में ऊपर वाला न करे, भगवान न करे कि किसी की भी घर में मर्डर या हत्या हो। अगर उनके घर में कल को अगर ये चीजें होती हैं तो क्या वो ये बयान देंगे कि सभ्य समाज में हत्या होती रही है, इसको नहीं रोक सकते? ये इनके मनुवादी और सामंतवादी विचारधारा को व्यक्त करता है। अकलियत, छोटे, पिछड़े, दलित, गरीब, वंचितों, ये जो जंगल राज की बात बताते हैं ना, यही लड़ाई थी, सामंतवाद और मनुवाद। सामंतवाद मनुवाद की जो रोगी है ना, मस्तिष्क रोगी, ये यही करते हैं। अकलियत, छोटे, शोषित, गरीब, दलित, वंचित के ऊपर ये प्रहार करते हैं, ये पेशाब करते हैं। उसके बाद इनके नेता आरजू खान जी, डिबेट चल रहा है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें कि मुझे बीच में टोकना पड़े या फिर आपको आपत्तिजनक शब्द के लिए कुछ कहना पड़े। देखिए, मैं साफ कह रहा हूं कि आलोक, अजय आलोक जी ने जो कहा, क्या वो सही है? आप इसको निष्पक्ष तरीके से आप बताइए। और यही नहीं हुआ है, आप बालू माफियाओं की तरफ से आपने देखा है कि बालू माफिया जो लोग हैं उन्होंने किस तरह से पुलिस के 3 जवानों को रोक दिया था। मुख्यमंत्री जी का गृह जिला नालंदा। आरजू खान जी, मनीष पांडे जी ने अभी कहा ना कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आखिर वजह क्या है ये तो सामने आ जाए, क्योंकि कुछ आज 18 साल से प्रिया मैम, पूरा विपक्ष और पूरे प्रदेश की जनता इंतजार ही तो कर रही है। आप बताइए ना कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में किसको आपने दोषी ठहराया, स्पीडी ट्रायल करके आपने किसको जेल भेजा, वो कितने साल की वो घटना है। आज फिर हम यहाँ आ गए, अभी कल जो है दो पटना बेउर जेल के पास 2 बच्चों का जो है मर्डर हो गया था, उससे पहले भी 2 लड़कियों का मर्डर हुआ दानापुर पटना में। अब ये बताइए कि ये पूरे बिहार में ये चल रहा है, लेकिन अगर इनके ऊपर अगर हम कोई सवाल खड़ा करते हैं तो ये अति संवेदनशील मुद्दा है, इस पे ये चुप नहीं रहेंगे, ये हमको पिछली बातें याद दिलाते हैं। ये क्या सही है? कहीं से ये सवाल वाजिब है? ठीक है, खून का बदला क्या खून होता है या खून का बदला इंसाफ होता है? ठीक है, आप मुझे ये आरजू जी, ठीक है, मनीष पांडे जी, हाँ, जिस बात पे आपने मेरी आपत्ति की ये बताइए कि वो चीजें हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, वो चीजें हुई कि नहीं हुई, कुछ शब्द आपने ऐसा इस्तेमाल किया, आप बता सकते थे, लेकिन कुछ शब्दों का चयन सही करिए आरजू खान जी, बस मेरे शब्दों पर आपत्ति है। देखिए, अजय आलोक जी के शब्द क्या बहुत बेहतर थे? नहीं, मैं वही जवाब तो ले रही हूँ ना आरजू जी। अगर अजय आलोक जी बैठे रहते मेरे डिबेट में तो मैं उनसे जरूर ये सवाल पूछती। अभी प्रवक्ता बीजेपी के बैठे हुए हैं, मैं उनसे सवाल पूछी हूं। किसी बेटे का बाप मर गया, किसी भाई का बहन, किसी बहन का भाई मर गया, लेकिन आप जो है क्या बात कर रहे हैं? हम चुप हैं, लेकिन कब तक चुप रहें? आप इसको ये कबूल करिए ना, आप सच्चाई को एक्सेप्ट करिए कि मुख्यमंत्री के गृह जवाब देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मनीष जी बोलिए। भाई आरजू भाई, आपने अभी कहा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में अभियुक्त कहां है नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है मुख्य अभियुक्त जो है वह सलाखों के पीछे है, लेकिन आप अभी 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 सरकार से रुखसत हुए हैं, कुछ दिन पहले तक आप भी सरकार में थे। अगर आपको मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में जांच पर एतराज था या इतनी चिंता थी तो आप उतने दिनों तक सत्ता में थे तो उस फाइल को जरा खंगालते ना, जरा उस पर जो तेजी से कार्रवाई करवाते। जिस तरीके से आप लोग पुल पुलिया टूट रहा है उसके फाइल को आप लोग नहीं खंगाल रहे हैं, सिर्फ विपक्ष के ऊपर आप टीका फोड़ रहे हैं, उसी तरह बोल रहे हैं ना आप। अर्जुन भाई, जब मैं आपकी बातों को सुन रहा था मैंने कहीं ऑब्जेक्शन नहीं किया सर, तो आपको थोड़ा सा फाइलों को जिसपे आज आपत्ति कर रहे थे राजनीति, इसलिए मैंने कहा विरोध के लिए विरोध ठीक नहीं है। आप विपक्ष में हैं तो आपका यह दायित्व बनता है कि सरकार को जहां गलती करे वहां उसको सचेत करे। मैं लोकतंत्र में हूं, कभी आज सत्ता में मैं हूं, कल विपक्ष में रह सकता है हूं कहीं पे भी, लेकिन आपने जो अभी कहा तो आप सत्ता में थे तो सृजन घोटाला, बालिका गृह कांड, ये सब कहां चला गया था? दूसरी बात आरजू भाई, जो चीज कहा था उसका औचित्य है क्या? उन्होंने सही कहा? सुनिए सुनिए, बोलिएगा बाद में। ठीक है, आरजू 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 जी, आरजू जी, एक एक करके जवाब ले लेते हैं ना। मनीष पांडे को जवाब देने दीजिए, फिर आपके पास आती हूँ। बोलिए मनीष पांडे, बॉबी हत्याकांड हुआ था, सरकार किसकी थी?
तंदूर में झोंक दिया गया था बॉबी को, किसकी सरकार थी? थोड़ा सा पीछे जाइए, ठीक है, चंपा विश्वास दलित महिला थी, मनीष पांडे जी, बिहार में अगर अपराध की लिस्ट निकालेंगे ना तो बहुत लंबी है सर। आज के हत्या पे बात कर लेते हैं ना। प्रीति जी, मैं भी यही बात कहना चाह रहा था। मैं भी, मैंने शुरू वक्त में यही कहा कि देखिए बड़ी दुखद घटना घटी है, पूरा प्रशासन हिल गया है, पूरी एसआईटी गठन की गई है, जो भी फॉरेंसिक टीम है सब अपना काम कर रही है वहां पर, विपक्ष को चाहिए थोड़ा इंतजार करना, रिपोर्ट क्या आता है सहयोग करना। मनीष पांडे जी, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, और आपसे सवाल मैं ज्यादा इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी राज्य में सरकार चल रही है, इसलिए सवाल आपसे पूछना बनता है। अब बताइए ये, हाँ ठीक है, ठीक है मनीष पांडे जी, अब ये बताइए कि नहीं लगता है कि बिहार में अपराध को ऐसे लगाम लगाना चाहिए कि अपराधी कांपे अपराध करने से? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर पूर्व मंत्री के घर में घुसकर ऐसी जघन्य हत्या का अंजाम दिया जा सकता है तो फिर आम लोगों का क्या हाल होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है? नहीं, दुखद है बहुत। मैंने देखिए शुरू में ही कहा यह घटना बहुत दुखद है, हत्या किसी की भी होती है, डाका कहीं भी डाला जाता है, वह दुखद है और प्रशासन को इसकी पूरी जवाबदेही लेनी पड़ेगी प्रिया जी। लेकिन क्या है, देखिए ये बात भी ध्यान में रखना पड़ेगा हम सभी लोगों को। देखिए मेरे दो वक्तव्य को आप फिर अलग अलग कीजिएगा तो फिर आपको सवाल के ऊपर सवाल खड़ा करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो अपराध कहीं भी होता है उसकी जवाबदेही हर हालत में सरकार को लेनी चाहिए और लेनी पड़ेगी। कौन लेगा? सरकार नहीं लेगा तो विपक्ष लेगा क्या? जब प्रशासन आप सरकार के पास है तो कोई भी घटना छोटी सी घटती है, चोरी की भी घटना घटती है, तो वो जो थाना है उसके थानेदार को लेना पड़ेगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि अपराध हर जगह होता है। मुझे लगता है अजय आलोक जी ने भी जो ये कहा कि अपराध तो होता ही है, घटना तो घटती है, लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई क्या होनी चाहिए? उसको सत्ता का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उसको प्रोटेक्शन किसी प्रकार से अपराधी को नहीं मिलना चाहिए, ये एक बड़ी बात होती है कहीं पे भी आप देखिए। और इसीलिए उन्होंने ट्रंप का जिक्र किया कि स्नाइपरों ने तुरंत उस अपराधी को मार गिराया, तुरंत कार्रवाई किया। देखिए यहाँ पे भी बिहार में भी घटनाएं घटती है, अपराध होते हैं, लेकिन अपराधी को सत्ता का संरक्षण नहीं मिलता, वो अनुसंधान होते हैं। जी आप जो बोल रहे हैं आप खुद सुन रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? जनता अगर ये सोचे कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो ऐसा बात बोल रहे हैं, वो ऐसी बात कह रहे हैं कि भाई अगर हत्या हो रही है तो वो होगी, अपराध हो रहे हैं तो होंगे, बस अंकुश लगाने की जरूरत है, तो भगवान भरोसे फिर जनता बैठ जाए? ऐसा होना चाहिए क्या? पूरी तरह से लगाम लगाने की जरूरत है क्योंकि बिहार की बात बार बार इसलिए आती है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं ज्यादा होती हैं। इसे लगाम लगाना चाहिए, अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचे कि शायद ये अपराध करने के बाद हमारा क्या हाल होगा। आप लोग ही है ना, यूपी का एग्जाम्पल देते हैं मनीष पांडे जी, यूपी का एग्जाम्पल भाजपा वाले ही देते हैं कि यूपी में किस तरह से शासन चल रहा है, देखिए अपराध इतने होते थे अभी कम हो गए, तो बिहार में क्यों नहीं हो सकते सर? नहीं, उसी मुजफ्फरपुर में अभी दो दो तीन तीन एनकाउंटर हुआ, अपराधी पकड़े गए, उनको उन पर गोलियां चलाई गई। मैं ये कहता हूं कि यहां पर देखिए अभी हाल के दिनों में जो अपराध घट, देखिए मैं आज की तारीख में प्रिया जी राजनीति करना नहीं चाहता, कल आप इसी भी विषय पर डिबेट कीजिएगा, मैं सारी बातें बताऊंगा कि अपराध का पोषक कौन है और संरक्षक कौन है और ये अपराधी किसके रिश्तेदार लगते हैं। एक नहीं है मेरे पास ऐसे दसियों उदाहरण है। सरकार में क्यों बैठे हैं? पकड़िए ना, आप सरकार में क्यों बैठे हैं? पकड़िए ना, यहाँ लक्ष्यदार भाषण देने के लिए बैठे हैं क्या टीवी पे? पकड़ते क्यों नहीं है? डबल इंजन की सरकार किस लिए है? किस लिए है डबल इंजन की सरकार? आप कुछ नहीं कर सकते, किस लिए है डबल इंजन की सरकार? मिथिलेश भाई किस लिए है डबल इंजन की सरकार? आप 18 साल से सिर्फ आश्वासन दीजिएगा क्या? आप 18 साल से सिर्फ आश्वासन दीजिएगा? अरे जब बात करते हैं मेरे भाई आप सरकार की सरकार है, और उसके बाद भी बोल रहे हैं कि हम करेंगे देखेंगे, ये क्या मतलब है? मुझे लगता है तब तक अपराधी भी तलाकों के पीछे होंगे। ठीक है, ठीक है, आरजू खान जी, हत्या तो हुई है और ये अपराध की बात मनीष पांडे भी स्वीकार कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि पूरी तरह से प्रशासन और शासन को जिम्मेवारी लेनी होगी, वो बात तो कह रहे हैं, लेकिन क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए?
जिस तरह से प्रदर्शन करने के लिए आप लोग सड़क पर उतर गए, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जरूरी था क्या? आरजू खान जी, 2005 से लेके आज तक जो भी ऑथेंटिक डेटा है, जो सरकारी डेटा है, उसको लेके आए और ये बताएं कि अपराध कम है या बढ़े हुए हैं, और उसके बाद ये भी लेकर आए कि कितने लोगों के साथ अन्याय हुआ है, कितने लोगों के साथ न्याय हुआ है, ये बताएंगे? ये सरकार में डबल इंजन की सरकार बताते हैं। अरे ये तो बोल रहे हैं ना कि बयान नहीं देना चाहिए, विपक्ष को संयम रखना चाहिए। अभी जीतन राम मांझी जी कुछ ही दिन पहले बोल रहे थे ना कि पुल पुलिया बिहार में गिर रहा है तो उसमें विपक्षी दलों का हाथ है। आप सरकार में बैठे हैं साहब, आप थोड़ा सा बयान कैसे दे रहे हैं समझिए। आप सरकार में डबल इंजन की सरकार में, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है क्या आप लोग? आपको जवाबदेही आपकी बनती है, हमारी थोड़ी बनती है। क्या हुआ कल को बेउर जेल में 2 बच्चों को मार दिया गया, तो परसों अगर दानापुर में मार दिया, क्या हुआ उससे पहले? वो जो माफिया, जो बालू माफिया लोग हैं, पुलिस वालों को 3 को रौंद के मार दिया, ट्रैक्टर से कुचल के मार दिया, क्या किया आपने? और सवाल भी हम ना करें, हम विपक्ष के नाते सवाल भी ना करें, ठीक है? आरजू खान जी, आप कहिए कि नहीं, आरजू खान जी आपके सवाल सही है। आरजू खान जी सवाल सुन लीजिए सर, सवाल नहीं सुनिएगा तो फिर कैसे होगा? आरजू खान जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, ठीक है आरजू खान जी, सवाल आपके सही है, आप विपक्ष, हाँ ठीक है, बोल लीजिए। ये बताइए, मैं एक ऑथेंटिक आपसे सवाल कर रहा हूँ कि अगर मुख्यमंत्री प्रदेश का किसी अधिकारी के सामने इस तरीके से हाथ जोड़ के नमस्तक करे, ठीक है। मनीष पांडे जी के पास हम चलते हैं। मनीष जी, बिहार में आप लोग कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, विपक्ष सड़क पर उतर गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि जो हत्यारे हैं उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और इसके साथ अब मुकेश सहनी ने भी एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि पूरे निषाद समाज के लिए ये काला दिन है। क्या हर चीज जाति पर आधारित होती है क्या बिहार में? अभी कुछ दिन पहले यही सरकार में थी, वही मुजफ्फरपुर पासवान को, तो क्या दलित समाज से था के 100, ये लोग सरकार, मैं आपको बताऊं, उसके 100 के साथ किया गया था, 100 को दफना किया था एक दलित समाज को, मीडिया में वो बात है, राज्यपाल तक मिलने के लिए उस पर आरजू खान नहीं बोले थे, उस पर चुप्पी साधेंगे। मैं इसलिए कहा, मैंने कहा कि देखिए आज मैं नहीं कहना चाहता इन सब विषयों को, एक घटना नहीं घटी है, एक घटना नहीं घटी, बेगूसराय में एक दलित युवक से इनके समाज के लोगों ने फूंक कर चटवाया था, वो सारी चीजें हुई थी तब जब ये सरकार में थे। लेकिन देखिए आज जो ये राजनीतिक बातें कर रहे हैं, जिस प्रकार से प्रोपेगंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने कहा कि थोड़ा इसकी जांच क्लियर होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, चीजें कई आपको सबूत निकल कर सामने आए, हत्या का क्या वजह है, क्या कारण है, वो सारा पता चलेगा। दो लोग पकड़ा भी गया मनीष पांडे जी, हत्या के कारण हो सकते हैं सर, हत्या के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, आपसी विवाद हो सकता है, कुछ और भी चीजें हो सकती है, लेकिन सवाल वही है कि कुछ ऐसी चीजें करने की बिहार सरकार को जरूरत है ताकि अपराधी पूरी तरह से लगाम उन पर लग सके, वो पूरी तरह से कंट्रोल में आ सके, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही कह रही है, मैं आपके इन बातों से सहमत हूँ रिया जी, मैं आपके इन बातों से सहमत हूँ कि कुछ कड़े निर्णय की जरूरत है। निश्चित रूप से अपराध को जो भी बढ़ावा दे रहा है, जो भी अपराध यहाँ पर हो रहे हैं, उस पर कड़ाई से निपटने की जरूरत है, ठीक है। और मुझे लगता है कि वह समय भी अब आ गया है जब ऐसे लोगों पर कड़ाई से निपटना पड़ेगा, यह बात भी बड़ा स्पष्ट है। लेकिन एक बात मैं अभी फिर आपके दर्शकों को बता दूं कि बिहार में जो अपराध है वह सत्ता पोषित नहीं है, सत्ता का कोई समर्थन नहीं है उसमें, झूठ है, ठीक है। हाँ आरजू खान जी आपके पास आती हूँ, आरजू खान जी एक सवाल, ठीक है मनीष जी, आरजू खान जी क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए,
बार बार जब सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष कह रहा है राजनीति नहीं होनी चाहिए, सड़क पर उतरकर जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ये सही है, इसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। ये बताइए कि ये सरकार में बैठे अपने आप को डबल इंजन की सरकार करते हैं और इस प्रदेश के मुखिया अधिकारियों के सामने और नरेंद्र मोदी जी के सामने ऐसे हाथ जोड़ के नमस्तक होते हैं, पैर तक पड़ने लगते हैं। उन्होंने बताया है कि वो बहुत कमजोर मुख्यमंत्री हैं, अगर उनसे बिहार प्रदेश नहीं संभलता है तो वो इस्तीफा दें। और अजय आलोक जिस तरीके की बातें कर रहे थे कि ये सभ्य समाज में, मैं इसका भी जवाब देता हूं, मैं प्रिया जी उसका भी जवाब देता हूं आपको। और जिस तरीके से अजय आलोक कह रहे थे कि ये सभ्य समाज में होता है, तो क्या उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करेगी भारतीय जनता पार्टी? और इस पे जरूर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बताइए कि क्या हम सवाल भी ना करें? ये तो आज मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या, एक सवाल आरजू खान जी, आपने ही कहा है कि अगर राज्य नहीं संभल रहा है तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये क्या उस वक्त याद नहीं आया जब आपके साथ थे नीतीश कुमार जी, जदयू पार्टी आपके साथ थी, उस वक्त भी तो बिहार में ऐसे ही अपराध हो रहे थे, उस वक्त नहीं लगा कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? अभी जब आपकी पार्टी से अलग हो गए तो अब आपको याद आ रहा है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? प्रिया जी 2005 से लेके 2024 तक का मैं इसके साथ ये भी कह रहा हूँ कि एक डेटा लेके आइए और बताइए कि बिहार प्रदेश में कितने आपराधिक घटना बढ़े या घटे और कंपैरिजन करिए 2005 से लेके 2024 तक का और 2015 के सरकार से हमारी सरकार का। ठीक है, डकैती हत्या बलात्कार सब कुछ आप देखिए। ठीक है, अगर हिम्मत है तो सार्वजनिक करिए, डाटा सार्वजनिक करिए। ठीक है, समय डबल इंजन चलाने का बिहार में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समय की कमी है, अंतिम सवाल का जवाब ले लेती हूँ। मनीष पांडे जी, जनता आस लगाए बैठी है सुशासन बाबू की सरकार है, लेकिन क्या सच में सुशासन बाबू की सरकार है? क्या जनता भ्रष्टाचारियों की सरकार है? मनीष पांडे जी देखिए, मैं आरजू भाई को यही कहूंगा कि जरा सा अगल बगल में पास पड़ोस में जरा पता लगाइए। पहले जब अपराध होते थे तो थानेदार एंट्री नहीं करता था, थाने में शिकायत दर्ज नहीं होती थी, और अपराधी होते थे ना, जो अपराध करते थे वो छुपने के लिए थाना में जाकर बैठ जाते थे या मुख्यमंत्री आवास में बैठते थे। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, आपने आरजू खान जी आपके पास। ठीक है मनीष पांडे जी, आरजू खान जी आपके पास आ रही हूँ। बार बार जो कहा जाता था लालू यादव के समय में कि जंगल राज चल रहा है, क्या कहेंगे कि अब फिर से जंगल राज रिटर्न हो रहा है? जी मैं इसका जवाब देता हूँ, गृह जिला नालंदा, गृह जिला जो कि मुख्यमंत्री का है, वहीं से सब कुछ तार जुड़ा हुआ है। नीट पेपर लीक मामला हो, चाहे बीपीएससी पेपर लीक मामला हो, चाहे इस तरह की हत्या जो घटना जो हो रही है, अंजाम दिया जा रहा है, ये सब नीतीश कुमार जी के गृह जिला नालंदा से हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देश की मीडिया कह रही है। चलिए आप दोनों मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, आपराधिक घटनाएं हो रही है, इस पर सवालिया निशान खड़े होना लाजमी है। एक तरफ सत्ता पक्ष है जो बार बार कह रहा है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, आपराधिक घटनाएं हो रही है, और इसी बीच भाजपा की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है। भाजपा ने यह कहा है कि सभ्य समाज में इस तरह की घटनाएं होती रहती है, आम बात है, उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। लेकिन क्या ये आम बात है? अगर किसी की सच में घर में घुसकर इस तरह से हत्या की जाती है तो इसे क्या आम बात कहेंगे? विपक्ष इसे लेकर हमलावर हो चुकी है। विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से भाजपा बयानबाजी कर रही है ये कतई सही नहीं है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके लिए तुरंत मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब देखने वाली बात है कि भाजपा ने जो वादा किया है कि जल्द से जल्द अपराधी सलाखों के पीछे होंगे, क्या वो सच होता है या एक बार फिर से जनता आस लगाए बैठी रह जाएगी? पलटवार में बस इतना ही, आप देखते रहिए रफ्तार मीडिया। नमस्कार।